लाठी डंडा खाएंगे आसिम राजा को जिताएंगे, लाठी डंडा खाएंगे लाठी डंडा खाएंगे लाठी डंडा खाएंगे हर सौ जुल्म की टक्कर पे नेता को आपने एक लाख पैंतीस हजार चौदह करोड़ से मुआवजा था। हमारे से हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन आपने हमारे लिए काम नहीं किया। सिर्फ एक अधिकारी जो आपको और खास तौर पर जहां गया पता बात किया है, आपको धर्म आया मणि को मानने वाले हो, पूजा और पाठ करे हो, अपने आप की सवाल करो, गरीबों का नहीं। मेरा गुना है, मेरी औलाद का गुना है, मेरी बीवी का गुना है, जाओ और तुम्हारे घर का खून मार खा लो। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम चार लोगों को खून मार हमने हिंदुस्तानी, हम आजाद हिंदुस्तान में बड़ा हो, हमारी भाषा कहीं से बार बार अपना नहीं सुनी हमारी बात। आप हर बीमार को देखेंगे, मैं पांच महीने कोरोना के बंद रहे, एक कमरे के अंदर दस बाई दस के कमरे के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा कमरा जिसमें आप बीमार हो, कोई रोशनदान न हो, कोई खिड़की न हो, कोई दरवाजा न हो, और दरवाजा हो उससे बाहर निकालने की इजाजत न हो, क्योंकि पांच महीने करोड़ बैठे होते जेल के लिए डॉक्टर का भाया भाया पांच महीने जेल अच्छी थी, लेकिन यह कमरा अस्पताल था, उस जेल से कहीं ज्यादा बदतर था। मैं फिर किसी जा रहा हूं, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही, सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत आगे सारी संपत्तियों को ये सरकार बेचने को तैयार है, हजारों सरकारी स्कूलों को बेचने या उनको निजीकरण में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी योगी सरकार। ये लड़ाई रामपुर की तो है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई जो सैद्धांतिक वैचारिक लड़ाई, मैं आपको ये वादा करने आया हूं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ आए हैं, सब कुछ सहन करके यहाँ जुटे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं ये वादा आपको करता हूँ, 7 तारीख से संसद का सत्र चालू है, अगर यहां कोई गड़बड़ी हुई, वैसे प्रधानमंत्री जी सदन में आते नहीं, आप तो अनुभवी हैं, देखते हैं सब लोग, जब पहली बार घूम रहे थे इमारत में, पवित्र इमारत में, तो बिल्कुल लेट थे, उन्होंने धरती डूब कर ये वादा किया था कि मंदिर का मैं ख्याल रखूंगा, इज्जत करूंगा, लेकिन वो अक्सर आते नहीं। लेकिन मेरा हक बनता है आपके आशीर्वाद से उस सदन में राज्यसभा के सांसद के तौर पर मुझे अवसर मिला और मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप मेरा कुल हो, मेरा परिवार हो, अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा
तो वे गुण वहां दिल्ली के उपकरण में उठे। हमें अपने देश के संविधान पर विश्वास रखना होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि देश को अपनी नियम कैसे कानून से चलता है। जब आजम खान साहब को नजरअंदाज क्यों किया गया और रामपुर को, इनको नहीं मैं तो कहूंगा रामपुर के पीछे हाथ धोके पड़ गए आप लोग। योगी जी के तो नाम पे राम है, ये क्यों नहीं बोलते रामपुर के नाम पे राम है। लेकिन खैर घेरने की तैयारी है और जब ये सीट खाली कराई गई तो हमने चिट्ठी लिखी, प्रयास किया, आवाज उठाई। पहले तो मैं आनाकानी की कि नहीं नहीं नियम नहीं है, दो साल के ऊपर की सभा होती है तब सभा जाती है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे चिट्ठी लिखी और बताया कि नहीं उनकी सदस्यता तो गई। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।